और हमारे लिए बड़ा दर्दनाक हादसा है और हमारे जिन परिवार के साथ ये हादसा गुजरा है, हम जिनका घर का चिराग मिट गया आज, मैं हम उस चीज़ को कमी को पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलेंगे कि ये बड़ी ही निंदा वाली बात है और हमारी गवर्नमेंट के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात है कि ऐसे कार्य जम्मू में होने लगे हैं। जो चीज़ें हम यूपी बिहार में आज से 10-20 साल पहले सुनते थे कि ऐसे कार्य होते थे, आज जम्मू जो मंदिरों का शहर है, जिसको बड़ी मान्यता दी जाती थी मंदिरों के शहर को, आज वो एक ड्रग का शहर बन गया है। यहाँ चिट्टे वाले शराब की वाइन शॉपें इतनी खुल गई हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर रोक होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे लोग ये जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होंगे और ये लोग आगे भी आने वाले टाइम में भी ये हमारे जम्मू का जो माहौल ख़राब करेंगे। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए, इनको टिल टू डेथ सजा होनी चाहिए और इनको फांसी होनी चाहिए, चौराहे में खड़े करके फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर, किस तरह के पुलिस प्रशासन अपना काम 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया, लेकिन वो बोलते हैं कि जो कार्य हम कर रहे, पिछले दिनों कोई ड्रग डीलर पकड़ा था इन्होंने रायपुर में, तो वो तीसरे दिन उसकी जमानत हो गई थी, वो आज 20-25 लाख की गाड़ी लेके घूमता है उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने पकड़ा था उसको, तो वो ये लोग क्या करेंगे? जब सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट कचहरी में अपना काम नहीं हो रहा है। मैं ये चाहूँगा, ये प्रशासन से गुहार लगाएंगे इस चीज़ की कि ये एक्शन होना चाहिए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए, और ये कड़े नियम बनेंगे इनके लिए तो ऐसे लोग फिर ही सुधरेंगे। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बड़ा दर्दनाक, अनफॉर्चुनेट और जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। जम्मू के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अभी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे किस्म की वारदातें जो हैं यूपी बिहार में हुआ करते थे, लेकिन आज मंदिरों के शहर में जो एक अमन पसंद हमारा शहर है, वहाँ पे इतनी हीनियस क्राइम हुआ है और उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। जहाँ पे छोटे से बच्चे की किडनैपिंग हुई, किडनैपिंग के बाद हत्या हुई और रैंसम के लिए उन्होंने पैसा मांगा, वो भी देने के लिए तैयार हुए, लेकिन इन दरिंदों ने एक मासूम की जान ली। इफ यू वॉन्ट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, मिस्टर सुशील शर्मा, 7889834394।